और आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं फेस वॉश की बात कर रही हूँ, नाइसा आरसीएम का नाइसा फेस वॉश। ये फेस वॉश आपको दिन में 2 बार चाहिए, तो आज मैं इसका आपको सरल सा डेमो करके दिखाने वाली हूँ ये कैसे हमारी स्किन के ऊपर अच्छा है। मैं अपने मोबाइल को से करती हूँ क्योंकि इससे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गिलास दिखाई नहीं देगी। थोड़ा थोड़ा डाउन कर लेंगे सर, आप स्क्रीन को दिखाई कर सकते हैं, आप कम दिखाई देंगी डेमो दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो हाँ, ये सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा है जी। दिखाई दे रहा है, एक दिन में चार दिख रहा है मैडम, देख रहे होंगे चार गिलास है। और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें प्रोडक्ट डेमो जो चीज है ना, ये बहुत काम आता है हमें मार्केट में, तो प्लीज आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखें। मैं बहुत अच्छा डेमो दिखाने वाली आज, आज इसकी सुंदर आप सबके सामने दिखा रही हूँ मैं। और ये दो मार्केट के हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये स्वदेशी के नाम पे बाबा ब्रांड है, आपको दिखाने वाली हूँ कैसे केमिकल रहित है और इसकी क्या क्या विशेषता है ये भी बताऊंगी। ये भी हमारा स्वदेशी ब्रांड है, अपना इंडिया का है और ये आर्थिक आजादी के अभियान में भी हमारा काम कर रहा है, ये हमें कमा के देता है और ये हमारे खर्च कराता है। तो हमें कैसे करना है नूतन जी, आप ना थोड़ा सा तेज बोले या थोड़ा सा सामने आ जाए, क्योंकि आपने स्क्रीन घुमा दिया तो आपके साउंड थोड़ी कम आएगी। ओके मैम, मैं थोड़ा सा और तेज बोलूंगी जी। तो मैं इसका डेमो की शुरुआत कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो हमारा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा हमारा जो नाइसा का फेस वॉश है आरसीएम का, इसे चम्मच में ले रही हूँ, आपने देखा सबने, और मैंने इसमें डाल दिया। ये जो एक और ब्रांड है सर्विस के नाम पे हम जैसे ग्राहकों को मिलता है, मैं नाम नहीं लूंगी क्या है क्योंकि हमारा ब्रांड सबसे बेस्ट है, तो ये मैंने लिया, ये इस ब्रांड में डाल दी चम्मच। बिल्कुल, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, सारे लोग समझदार है, देख के समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैंने डाल दिया, और ये मैंने अभी खाली ग्लास रखा है, इसमें कुछ नहीं डाला। ये मैं मिक्स कर रही हूँ आप सभी के सामने, आप सब देख रहे होंगे जो हमारा है, पानी भी अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है। आपने देखो धक्के लगा के देखेगा, आज भी जब आपको खुशी मिलेगी तो दर्द अपना डेमो करके देखना, भले ही आपके घर में दूसरे ब्रांड ना हो, आपको आइटम का तो है तो आप देख सकते हैं और चंदन है, ये जो दूसरे ब्रांड है वाइट है, आवाज मैडम आवाज आपकी नहीं आ रही है, थोड़ी सी दब के आ रही है। ओके चंद्रा जी, इनको मोबाइल से भी कोच बना दे आप हाँ, है कर दीजिए एक बार नूतन जी। हाँ नहीं मैं कर लेती हूँ, मैं सर्च करके कर दूंगी जी जी। यस मैम, मैंने कोच बना दिया आपको। एक मिनट करती हूँ।
हाँ मिल गई मैडम, मिल गई। हाँ बना दी मैडम, आपको को होस्ट मैंने बनाया। आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ अभी आ रही है, आ रही है। और सो मोबाइल से मेरा साउंड आ रहा है, तो मैं जैसे आपको दिखाई थी ये दूसरी कंपनी के जो है डिजिटल है, मतलब बिल्कुल साफ और क्लीन दिखाई दे रहा है। अब हमें शुद्धता की पहचान कैसे करनी है? जो आरसीएम की हल्दी है, इससे हम शुद्धता की पहचान करेंगे कि इसमें केमिकल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हल्दी डिटर्जेंट के उसमें आते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट में केमिकल होता है तो वो रंग चेंज कर देती है, आपने देखा है सभी ने। चंदन मैम थोड़ा सा बोलते रहिएगा तो ऐसा लगेगा। हाँ यस मैम, हाँ केमिकल रहने से वो कलर चेंज हो जाता है। यस मैम बिल्कुल। तो अब मैं ये आरसीएम की हल्दी डाल रही हूँ, सबसे पहले अपने फेस वॉश में डाला, नाइसा फेस वॉश में, फिर ये दो ब्रांड बाहर के हैं इसमें डाल रही हूँ, सेम क्वांटिटी में ही डाल रही हूँ मैं, कम ज्यादा नहीं कर रही हूँ सबके सामने। और ये थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला इसमें, जो खाली गिलास है मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिक्स हुआ है इसमें। रिजल्ट आप सबको दिखाई देने लगा होगा। Yes, ये बिल्कुल, ये कैसा लग रहा है? एकदम ओरिजिनल हल्दी, ओरिजिनल हल्दी जैसे कि ये वाला। यस यस मैम। और इसमें थोड़ा लालिमा आनी शुरू हो गई होगी जैसे जैसे ये थोड़ा सा देर हो जाएगी, क्योंकि अभी ये घुला भी नहीं है अच्छे से, तो ये और ज्यादा लाल होता चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें केमिकल है, हल्दी ने केमिकल के साथ रिएक्ट किया और ये लाल होना शुरू हो गया। क्या हम केमिकल वाला कोई प्रोडक्ट अपने चेहरे पे यूज करेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा देखने से जैसे मैं फ्रूटी हाथ में ले रही हूँ, मैंगो जूस, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am, yes. और थोड़ा हल्दी बोला ना डिटर्जेंट, अगर मैं दिखाऊं डिटर्जेंट कैसे रिएक्ट करता है हल्दी पे, तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालती हूँ, जैसे ये लाल हो चुके हैं ना, दिखाई दे रहे होंगे लाल हो चुके। जी जी बिल्कुल। और मैंने अपना डिटर्जेंट डाल दिया जो बिल्कुल सिंपल पानी था जो हमारा, और ये देख रहे होंगे मैं बिल्कुल चुट्टी में लिए हुए हूँ और मैंने ये आप सबके सामने डाल दिया। देखिए रंग चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया। तो हमारा जो नाइसा का फेस वॉश है ये बेहतरीन है, और इसके बारे में आप सभी को बता दूं, ये कील मुहासे हटाता है गंदगी हमारे चेहरे पे जो है वो हटाता है, इसे हमें दिन में दो बार यूज करना चाहिए सुबह और शाम। और इसकी कीमत मार्केट वालों की कीमत के सामने बहुत कम है, मार्केट में एक 80 का है एक 70 का है। अगर हम बात करें एमआरपी इसका 70 है और ये हमें कुल 55 रुपीज में मिलता है, और उसके बाद भी कंपनी हमें इस पे कुछ ना कुछ जरूर देती है। अब आप तो समझ ही चुके होंगे क्योंकि अब प्रोडक्टों पे कितना कुछ मिलता है, तो अब इसे और भी आसान हो गया इसे सेल करना। और इसमें दो तीन चीज है, एक लेमन ऑयल इसके अंदर है जो आपको सबको बताया लेमन हमारी त्वचा के लिए क्या क्या करता है। ऑरेंज है, ऑरेंज का जैसे छिलका होता है, पहले के जमाने में ऑरेंज के छिलकों को पीस कर भी चेहरे पे लगाया करते थे। इसमें छोटी इलायची का भी तेल है और इसके अंदर ट्री ट्री ऑयल है। ट्री ट्री ऑयल के नाम पे मार्केट में बहुत बहुत महंगे प्रोडक्ट आते हैं, आपको सभी को पता होगा, लेकिन ये सस्ता सुंदर टिकाऊ और जबकि हमें इनकम दिलाने वाला है, तो आप समझ जाइए आपको कौन सा लेना है। तो मैं तो अपनी बहनों से यही कहूंगी कि आज ही इस प्रोडक्ट पे डेमो कीजिए, दिखाइए अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड को, और ज्यादा से ज्यादा सेल इस छोटे से प्रोडक्ट की कीजिए।